नमस्कार दोस्तों, आज के इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन में मैं आपके साथ मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि मैट से रिलेटेड डिस्कशन सेक्शन 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वजह से अराइज हुआ, और मैट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि साहब, अगर एक कंपनी की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से उसके बुक प्रॉफिट का 18.5% ज़्यादा है तो कंपनी की जो बुक प्रॉफिट है वो तो उसकी टोटल इनकम मान ली जाएगी, और उसके ऊपर जो 18.5% है वो उसका फाइनल टैक्स लायबिलिटी मान लिया जाएगा। इसका जेनेसिस बहुत से कारणों से है, लेकिन उसमें से एक मुख्य कारण यही रहा है कि कंपनी अपनी एजीएम में जो प्रॉफिट एंड लॉस रखती है अपने शेयर होल्डर्स के सामने, एक और उसमें प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन इनकम टैक्स में बहुत से वेटेड डिडक्शंस वगैरह की वजह से, लॉसेस की वजह से या स्पेशल डिडक्शंस की वजह से इनकम टैक्स में वो टैक्स लायबिलिटी नहीं दे रही होती। तो ये कॉन्सेप्ट पास्ट में लेकर के आए साहब कि मिनिमम उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो देना है, और आप सब अवगत हैं सर कि बुक प्रॉफिट का 18.5% टैक्स लायबिलिटी कंपनी को देनी है, यानी कैलकुलेट करनी है, उसको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से कंपेयर करना है, दोनों में से विच एवर इज हायर आएगा वो टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा सर कि मैट के लिए बुक प्रॉफिट कौन से पीएनएल से डिराइव किया जाए, तो लॉ ने उसका आंसर दे दिया सर, बुक प्रॉफिट उस पीएनएल से डिराइव किया जाए जो कि कंपनी ने अपनी एजीएम के समक्ष रखा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर सकता है सर एजीएम ही नहीं हुई हमारी तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, यदि एजीएम नहीं हुई तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक पीएनएल बनाया है, प्रपोज किया है एजीएम में रखने के लिए, आप उस पीएनएल को बना लीजिए, उससे मैट की कंप्यूटेशन कर लीजिए, रिटर्न टाइमली भर दीजिए। अगर आपका वो पर्टिकुलर पीएनएल एजीएम की वजह से कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं तो सब्सिक्वेंटली रिवाइज रिटर्न कर लीजिए, लेकिन मूलतः पीएनएल वो है सर जो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अनुरूप बनाया गया हो। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां अराइज होता है सर कि यहां कंपनी शब्द का मतलब क्या है, तो सर कंपनी वो है जो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में मेंशन्ड है, और इसके अंदर सभी प्रकार की कंपनियां शामिल हैं, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो पावर सेक्टर की कंपनीज हो, सब पर सर मैट की कैलकुलेशन करनी है। ये बात अलग है सर कि कुछ कंपनियां मैट के दायरे में जनरली नहीं आती। यदि मेरे को कोई बोले सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या नहीं आती, नहीं सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिल्कुल आती है सर मैट के दायरे में, लिस्टेड कंपनी मैट के दायरे में आती है, गवर्नमेंट कंपनी मैट के दायरे में आती है, तो बची कौन सी, बैंकिंग कंपनी, नहीं सर बैंकिंग कंपनी भी मैट के दायरे में आती है, लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, सरकारी कंपनियां हैं, क्या वो मैट के दायरे में आती हैं, बिल्कुल आती हैं सर, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, क्या वो मैट के दायरे में आते हैं, यस सर वो भी मैट के दायरे में आते हैं, तो बचा कौन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर मैट नहीं लगता, ऐसा लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है, और ऐसी कंपनी जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या पुराने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 कंपनीज जिन्हें हम कहते थे, उनके ऊपर सर मैट नहीं लगता है, तो वो कंपनियां हम छोड़ सकते हैं, बाकियों पर मैट लगता है। तो इसका मतलब सर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मैट लगता है, बिल्कुल सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी मैट लगता है। तो सर मैट का स्कोप तो काफी वाइडर है। हाँ, अब ये जो कंपनियां जिनके ऊपर मैट लगता है, यदि वो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पर बेस्ड पीएनएल बना रही हैं तो उससे मैट की कैलकुलेशन होगी, और यदि वो किसी और गवर्निंग लॉ से बना रही हैं तो उस गवर्निंग लॉ के हिसाब से उनकी मैट की कैलकुलेशन की जाएगी। सो मैट की कैलकुलेशन तो आपको हर हाल में करनी ही है। हाँ, इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आता है सर कि सेक्शन 115 जेबी ये भी बोलता है सर, जहां पर मैट है वहां पर आपको ऑडिटर की रिपोर्ट फॉर्म 29B में लगानी होती है। तो मेरा कभी कभी ऐसा भी डिस्कशन हुआ सर कि क्या वो मैट की रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करना है, तो आंसर तो हाँ है सर, लेकिन मान लीजिए एक कंपनी की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मैट से ज्यादा है और इसलिए मैट पेएबल ही नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी फॉर्म 29B अपलोड करना है, नहीं सर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्म 29B अपलोड तभी करना है जब मैट पेएबल है, यानी जब मैट पेएबल नहीं है तो फॉर्म 29B की व्यवहारिक रूप में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तो फिर समझने के लिए सर मैं बोलूंगा
कि एक नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी, बुक प्रॉफिट का 18.5% कैलकुलेट किया, दोनों को सरचार्ज एजुकेशन सेस एसएचईसी एज द केस में भी से बढ़ाइए, कंपेयर करिए विच एवर इज हायर दैट विल बी द टैक्स लायबिलिटी पेबल बाय द असेसी। अब इसी डिस्कशन को मेरे को लेकर के जाना है हाउ टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट्स। तो सर मैं क्योंकि मुझे जनरली ऐसा फीडबैक मिलता रहता है कि वीडियोस को भाटिया जी थोड़ा छोटा रखा करो, तो मैं इस वीडियो में सर मैथ्स से रिलेटेड एक बेसिक डिस्कशन को सीमित रखते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन पर डिस्कशन लेकर के आता हूँ। तो आज के लिए इतने पर ही समाप्त करता हूँ। मैं अगली वीडियो में मैथ्स से रिलेटेड बुक प्रॉफिट के डिस्कशन पर विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।